प्राइस ऑफ दिस वन इज फ्रीकिंग 1400 रुपीज। लिटरली पूरी राम कथा बता दी और आपको शेड नेम नहीं बताया, इसका शेड नेम है, इसको भी यूज कर सकती हूँ। और फिर मैं जब धूप आएगी इसको लगाऊंगी एंड आई एम डन। कितना कूल लग रहा है ना। आजकल मैं वेडिंग सॉन्ग्स देख रही हूँ, कौन से अच्छे लगेंगे वेडिंग पे, जस्ट दैट गर्ल हूज प्लानिंग फॉर द वेडिंग। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट शेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेल्कम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। आई एम बैक शूटिंग कंटेंट। मेरा गला इतने टाइम से ख़राब था ना, एक हफ्ते से लिटरली मेरी आवाज़ डेड थी, अब जाके थोड़ी सी ठीक हुई है। अभी भी आपको थोड़ी सी अजीब लगी होगी बट अभी रिकवरी मोड पे है, बट एटलीस्ट मैं बोल पा रही हूँ वही इनफ है। और हर मंथ की शुरुआत होती है मंथली फेवरेट्स के साथ, तो आज भी मैं दिखाने वाली हूँ मेरे अक्टूबर फेवरेट प्रोडक्ट्स। साल लिटरली ख़त्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर साल ख़त्म, ऐसा लगता है अभी तो जनवरी फेवरेट शूट किया था, मतलब जुक करके लाइफ ऐसे फुल स्पीड पे चल रही है। बट इस बार काफी इंटरेस्टिंग मेरे पास फेवरेट्स है, बिकॉज फेस्टिव मंथ था, काफी सारी चीजें मैंने भी ट्राई करी हैं, प्लस एक गिव अवे है। मेरा रैंडमली कल मन किया कि मैं इंस्टा पे तो गिव अवे होस्ट करती रहती हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब को भूल जाती हूँ यार, मैं यूट्यूब पर रेगुलर गिव अवेज नहीं करती। और जब मैं इंस्टा के गिव अवे यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे शेयर करती हूँ तो मुझे इतने सारी लड़कियों के वहाँ पे कॉमेंट्स आते हैं कि हम नहीं है इंस्टाग्राम पर, प्लीज यूट्यूब के लिए भी गिव अवे रखो। सो देयर यू गो, आज मैं करने वाली हूँ एक सरप्राइज गिव अवे। इस वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा कि एक लकी विनर को क्या मिलने वाला है, इट्स लाइक अ वेरी क्यूट गुडी बॉक्स फ्रॉम माई साइड। सो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, और जो भी पार्टिसिपेशन रूल्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट फिलहाल मंथली वेव्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन केयर के साथ स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एक दो स्किन केयर रिकमेंडेशन है, एंड आई वुड से इट्स लाइक डर्मैट अप्रूव्ड स्किन केयर, बिकॉज अभी मेरा क्लिनिकल वाला भी चल रहा है सारा, जो भी एक्ने का प्रोसेस होता है, एंड आई कैन सी रिजल्ट्स। मतलब मेरे जो वो पस्ट्यूल बड़े बड़े एक्ने होते हैं ना, वो अब आने कम हो गया। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे एक्सेसिव ग्रीसीनेस ऑलीनेस नहीं दिखती। उसकी देखो मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, बिकॉज वो खाली प्रोडक्ट से नहीं हुआ, वो जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ उससे भी हुआ है। मैं ट्रेटनॉन के कोर्स पर हूँ, अगर आपको नहीं पता, आइसो ट्रेटनॉन मुझे रिकमेंड करी गई है इतने सालों के डिले के बाद, मना करने के बाद फाइनली आई वाज लाइक चलो यार अब ले ही लेती हूँ, बिकॉज मेरे एक्ने और किसी चीज़ से हील नहीं हो रहे थे। स्किन केयर से एक्ने जाते थे फिर आ जाते थे, फिर जाते थे फिर आ जाते थे, तो फाइनली अब मैंने हार मान ली है। एंड आई थिंक मेडिकेशन इज वर्किंग, थोड़े बहुत उसके साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन आई कैन सी अ गुड रिजल्ट ऑन माई एक्ने एज वेल। तो दो प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे अक्टूबर के फेवरेट रहे हैं, दे आर लाइक डर्मैट अप्रूव्ड। सबसे पहले है ये बायोडर्मा का सीबीएम हाइड्रा। मैं बायोडर्मा के साथ काम करती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनके साथ ऑलरेड मंथली बेसिस पे ऐसे कभी ना कभी वीडियोस बनाती रहती हूँ, बट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बायोडर्मा, लिटरली मेरे डर्मैट ने ही रिकमेंड किया है। सो ये उनका सीबीएम हाइड्रा, और ये मैं मल्टीपल टाइम्स बायोडर्मा के साथ कोलैबोरेशन में भी प्रमोट कर चुकी हूँ। सो व्हेन द डॉक्टर रोटेड आई वाज, ये मेरे पास है, ये मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। सो ये मेरे पास ऑलरेडी था। ये मेरी न्यू ट्यूब है जो मैंने कल ही ओपन करी है, पूरे अक्टूबर मंथ में प्रीवियस वाली ट्यूब को मैंने निचोड़ दिया लिटरली। मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी हाई एंड बाय की, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते गो देयर एंड फॉलो देयर, बिकॉज मैं स्टोरीज पर काफी सारे छोटे छोटे रिकमेंडेशन करती हूँ। सो ये है सीबीएम हाइड्रा। अगर आपको नहीं पता है, बायोडर्मा की क्रीम आती है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बनी है, दिस इज एक्ने प्रोन स्किन अल्ट्रा ड्राई ड्यू टू ट्रीटमेंट। सो क्या है ना, ट्रेटनॉन का कोर्स मेरा चल रहा है, प्लस उन्होंने मुझे दो तीन जेल्स भी दिए लगाने को, जो मुझे अपने रेगुलर मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके लगाने होते हैं। आपने अगर मेरा अक्टूबर का एक व्लॉग देखा होगा, आपने उसमें देखा होगा एक बायोडर्मा की नाइट क्रीम भी दी है मेरे डॉक्टर ने, मैंने उसके अंदर भी एक एजिलिक एसिड का थोड़ा सा क्रीम मिक्स करके लगाई थी। तो जितने भी क्रीम्स होती हैं और जितने भी खाने का मैं ट्रेटनॉन ले रही हूँ, उससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मतलब मेरा ये पूरा एरिया सूख चुका है, मेरे लिप्स हद से ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, यहाँ पर क्रैक्स आ गए हैं, नोज़ के अराउंड क्रैक्स आ गए हैं, और इतनी ड्राई स्किन पर जब मेकअप करती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा पैची हो जाता है। एंड आई एम समवन जिसकी हमेशा से ऑयली स्किन रही है, तो मैं लिटरली हर चीज़ मैट यूज़ करती थी, अब मैंने काफ़ी मेजर शिफ्ट किया, मैं हर चीज़ नरिशिंग हाइड्रेटिंग साइड पर यूज़ कर रही हूँ। सो दिस केम टू द रेस्क्यू, ये लिटरली सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है अगर आपकी स्किन एकदम ड्राई हो गई है, या फिर आपने कुछ ऐसा भी यूज कर लिया ना, आपकी स्किन ऐसे रिएक्ट कर गई है, रेड हो रही है, क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए हैं, तो आई वुड से सारे मॉइस्चराइजर साइड में रख दो और ये यूज करके देखो। ये मैंने मल्टीपल टाइम्स प्रमोट किया हुआ है तो मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, आई एम फीचरिंग अगेन बिकॉज अक्टूबर मैंने सबसे ज्यादा ये यूज किया है, सो आई थॉट व्हाई नॉट फीचर इट इन माई अक्टूबर फेवरेट्स। लव दिस वन, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये आपको कल्ट पर मिल जाएगा, मैंने कल्ट का भी शेयर किया था। कल्ट एक ऐप है जहां पर न्यू यूजर को ना 75% ऑफ मिलता है, तो ये 1200 समथिंग क्रीम है, अगर आपको 75% ऑफ करके 300 या 200 में मिल रही है ना, तो आई वुड से ले लो, बिकॉज दिस इज वर्थ एवरी पेनी। ये इतनी जेंटल सूदिंग है और जो भी ड्राइनेस होती है ना, उसको बहुत अच्छे से कंपनसेट करती है। मॉइस्चराइजर नंबर वन फॉर डेली यूज, लेकिन जब मुझे पार्टी में जाना है, मुझे पता है शादी में जाना है, लेयर्स ऑफ मेकअप हुआ, कंसीलर, हाईलाइटर, कॉन्टोरिंग, और जब इतना लेयर मेकअप का भरता रहता है ना, तो फिर आप कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो, जब ऐसी क्रैक होने वाली स्किन होती है, तो आपको एक हैवी मॉइस्चराइजर
मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है. सो मैंने ये लिया था काइंड लाइफ से. आपने मेरा बहुत पहले एक कोरियन ब्यूटी रिकमेंडेशन की वीडियो देखी होगी, काइंड लाइफ के साथ कोलैबोरेशन में थी. मैंने तब ये परचेज किया था राइस सेरामाइड क्रीम. मैंने तब इसको जब यूज़ किया था ना, बहुत भरी गर्मी थी, मेरी स्किन भी ऑयली थी, लिटरली मेरी स्किन को इतना ग्रीसी कर दिया था ना, बट मैंने इसको उठा के रखा था. तो रिसेंटली जब मैं अपनी फ्रेंड की शादी के फंक्शन में गई ना, मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन में यूज़ करके देखा एंड ओ माई गॉड, इट वर्कड सो वेल. सो आपको नहीं पता है फेस शॉप की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मैन दिस इज वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग, कुछ इस तरह से दिखती है. मेरे फिंगर ना अभी हल्की सी डर्टी है तो मैं इसको डर्टी नहीं कर रही, बट या इट्स लाइक अ वेरी वेरी नरिशिंग मॉइस्चराइजर. ये बायोडर्मा के सीबीएम हाइड्रा से भी ज़्यादा नरिशिंग है. तो या तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ट्राई करके देखो, या फिर जैसे मेरा वाला केस है, अगर एक्ने ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, स्किन ड्राई हो गई है, हैवी मेकअप करना है तो ये यूज़ करके देखो, यू विल लव इट. या आपको काइंड लाइफ मिल जाएगा, नायका मिल जाएगा अमेजोन पर, फेस शॉप की अपनी वेबसाइट पर भी काफ़ी ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं, तो तब देख लेना, जब आपको डील मिलेगी आप तब ले सकते हो. नेक्स्ट है मेरे पास ये बायोडर्मा का सीबीएम नाइट पील. ये भी मेरे डर्मैट ने रेकमेंड किया है. सो उन्होंने मुझे ना पूरा हफ्ते का शेड्यूल दिया था कि मंडे वेनेसडे फ्राइडे आपको ये क्रीम के साथ ये मिक्स करना है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऐसा मिक्स करना है, और संडे को आपको ये नाइट पील यूज़ करनी है. सो जब मैं उनके साथ बैठी थी, आई सेड मेरे पास पीलिंग सोल्यूशन है, बिकॉज ऑब्वियसली है मेरे पास बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास डर्माको का है, ऑर्डनरी का है, पता नहीं किस किस के पीलिंग सोल्यूशन है. सो आई वाज लाइक मैं ऑर्डनरी का यूज़ कर सकती हूँ अपने AHA BHA? तो शी सेड नहीं, वो अभी अवॉइड करो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था यह बायोडर्मा का सीबीएम नाइट पील. ये मैंने खुद खरीदा है उनके डर्मैट के क्लिनिक से ही मैंने परचेज किया था, बिकॉज ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैं ब्रांड के साथ काम नहीं करती. आई डोंट नो मैं इतना डीप में क्यों बता रही हूँ, बट आई लाइक टू बी ट्रांसपेरेंट विद माई ऑडियंस. सो ये मैंने खुद परचेज किया है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एक ऐसे प्लास्टिक की बॉटल और ऐसे पंप फॉर्म में आती है. सो ये एक डिफरेंट टाइप का नाइट पील है. मुझे लगा ये जैसे हम ऑर्डनरी के जो भी डर्माको की पील्स होते हैं ऐसे लगाते हैं, रेड कलर का जो होता है, लगाया 10-15 मिनट बाद उतार दिया, 10-15 भी नहीं, 10 मिनट्स मैक्स उतार दिया, एंड यू आर लाइक उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लो. बट ये वाला प्रॉपर एप्लीकेशन वाला पील है, इसको आप लगा के सो जाओ, आप इसकी एक थिन लेयर लगाओ एंड यू जस्ट स्लीप. मॉर्निंग में आप अपना फेस नॉर्मली वॉश कर सकते हो एंड इट एक्चुअली वर्क्स. मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है इसके साथ. ये है स्मूदनिंग कंसेंट्रेट कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए विद ब्लेमिशेस, और इसमें ग्लाइकोलिक 15 लिखा हुआ है. नाउ इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे नहीं समझ आ रही बिकॉज आधी ये फ्रेंच में होती है, बायोडर्मा जो है वो फ्रांस की कंपनी है. चलिए कुछ इस तरह से एकदम ट्रांसपेरेंट आप देख रहे हो, कितना पतला पानी जैसा ये ट्रांसपेरेंट ऐसा फील होता है. सो इसकी एक थिन लेयर मैं लगाती हूँ अच्छे से, जहाँ पर एक्ने है, जहाँ पर स्कारिंग है, वहाँ पर और अच्छे से लगा के मसाज किया, थोड़ी देर बाद ही अच्छे से सिंक इन हो जाता है, यू जस्ट स्लीप. इसके ऊपर कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है. सो मैं इसको अक्टूबर के 1st अक्टूबर से मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, आई गेस मैं तब से इसको यूज कर चुकी हूँ काफी बार. गॉन इज द प्राइस पॉइंट, बिकॉज बायोडर्मा थोड़ी सी एक्सपेंसिव ब्रांड है, तो ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव आता है एज कम्पेयर टू दोज केमिकल पील्स जो आपको मार्केट में मिल रही है. बट डर्मैट अप्रूव्ड है, अभी उन्होंने रिकमेंड किया है, मेरे पे सूट भी कर रहा है, सो आई एम काइंड ऑफ लविंग इट. उन्होंने मुझे बायोडर्मा की नाइट क्रीम भी दी है, जो उनकी पिगमेंट बायो नाइट क्रीम है, मुझे ऑल्टरनेट डेज नाइट्स पर यूज करनी होती है. वो है एक्ने मार्क्स और स्कारिंग के लिए, वो भी अच्छा वर्क कर रही है, बट डेफिनेटली मैं उसको फ्यूचर में कभी रिव्यू करूंगी. अभी मैं उसके बारे में एकदम 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट इट्स काइंड ऑफ वर्किंग वेल फॉर मी. लेट्स मूव ऑन टू मेकअप कैटेगरी नाउ. सबसे पहला जो मेरा मेकअप का फेवरेट रहा है, वुड से 2nd half of October, बिकॉज तभी के अराउंड मुझे रिसीव हुआ था. सो के ब्यूटी की थी 3rd anniversary और मुझे नायका ने 2-3 चीज़ें भेजी थी के ब्यूटी से. फर्स्ट स्टोरी शाउट आउट, नथिंग पेड एंड ऑल, बस एक स्टोरी शाउट आउट के लिए उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें भेजी थी. मेरे पास ऑलरेडी के ब्यूटी का काफ़ी स्टफ था, तो मैंने वो ज़्यादा रिव्यू करा एज कम्पेयर टू जो मुझे उसी टाइम रिसीव हुआ है. बट उस टाइम मुझे ये फाउंडेशन भी रिसीव हुआ था. अब मेरे पास के ब्यूटी का ऑलरेडी एक फाउंडेशन था पहले, बट वो काफ़ी लाइट है, तो मैं उसको ना यूज़ नहीं कर पाती, बहुत लाइट मेरी स्किन टोन के लिए था. बट इस बार जो ये फाउंडेशन आया ना, मतलब आई डोंट नो नायका को कैसे पता चला, बट ये एब्सोल्यूटली एग्जैक्टली मेरी स्किन टोन जैसा फील होता है, और मैं इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही हूँ. बिकॉज ये जो के ब्यूटी का फाउंडेशन है, दिस इज़ अ हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग फाउंडेशन. इसका नाम है हाइड्रेटिंग फाउंडेशन एनरिच्ड विद एवोकाडो एंड मैंगो बटर. ये स्पेसिफिकली ड्राई स्किन टाइप के लिए बनाया, लाइक अगर आपकी कॉम्बिनेशन या फिर विंटर्स में ऐसे क्रैक होती है, ड्राई होती है, ये फाउंडेशन आपके लिए परफेक्ट है. इसकी बहुत अच्छी एक ड्यूइनेस आती है. मैंने आज भी यही फाउंडेशन लगाया हुआ है, ज़्यादा नहीं लगाया बिकॉज अब मुझे इतनी नीड नहीं है. मेरे थोड़े बहुत ही अब एक्ने मार्क्स हैं, ज़्यादा हार्श वाले अब विजिबल नहीं होते. ट्रीटमेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर वर्क कर रही है, टचवुड, मैं ऐसे बार बार नहीं बोल रही बिकॉज फिर नजर लग जाती है. बट या मैंने इसको ज़्यादा नहीं यूज़ किया. ये थोड़े से पंप में बहुत अच्छी कवरेज देता है. इसकी जो कवरेज है, आई वुड से मीडियम टू बिल्डेबल है. ऐसा नहीं है लगाते ही फुल कवरेज आएगी, हल्की हल्की आएगी, फिर आप एक लेयर हल्का सा और बढ़ाना चाहोगे तो आप बढ़ा सकते हो एक अच्छी फुल कवरेज लुक के लिए. बट इट इज़ ब्यूटिफुल, इतना अच्छा ड्यूइनेस और ग्लो देता है ना. सो अगेन, अगर आप विंटर्स के लिए कोई फाउंडेशन देख रहे हो जो नरिशिंग हो, जो आपकी स्किन को क्रैक ना करे, ड्राई ना करे, गो फॉर दिस वन. प्राइस ऑफ दिस वन इज 1200 रुपीज़.
चीज विच इज डिसेंट इनफ बिकॉज ऑब्वियसली कैटरीना कैफ किसी एक सेलिब्रिटी ओन ब्रांड का तो प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा हो ही जाती है, बट वैसे भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और डिस्काउंट आपको हमेशा ही मिल जाता है। अभी जब ये थर्ड ईयर एनिवर्सरी आई थी के ब्यूटी की तब काफी अच्छे ऑफर थे, मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वो ऑफर डाले थे। सो अगेन अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो काफी कुछ आप मिस आउट कर रहे हो, बिकॉज जो ऑफर और डील्स होती है ना मैं स्टोरीज पर ही शेयर करती हूँ। जब तक यूट्यूब वीडियो बनेगी ना तब तक वो डील चली भी जाती है, सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी देयर। मैं नीचे भी लिंक डाल दूंगी। लिटरली पूरी राम कथा बता दी और आपको शेड नेम नहीं बताया, इसका शेड नेम है 125Y मीडियम। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट के ब्यूटी ब्रांड इज दिस ओनली, ये हर एक अंडरटोन के लिए भी शेड्स निकालते हैं। इनका फाउंडेशन, उनका कंसीलर, उनके और भी जो बेस प्रोडक्ट्स आते हैं अंडरटोन के हिसाब से भी आते हैं। सो वाई जो इसमें है ना, इट स्टैंड्स फॉर येलो। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना आपकी स्किन की अंडरटोन क्या है, बेसिकली क्या न्यूट्रल है, पिंक है, येलो है, वो आपको अपनी वेन से पता चल जाएगी। आप गूगल भी कर सकते हो वेन के कलर से, जब धूप में जाओ और आपको वेन से कलर से पता चल जाएगा। सो मेरे पे जो फाउंडेशन है वो वाई अंडरटोन के अच्छे सूट करते हैं, न्यूट्रल के भी सूट कर जाते हैं कुछ कुछ ब्रांड के, बट ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करा है 125Y मीडियम। सो अगर आप सॉर्ट ऑफ मेरी स्किन टोन जैसे हो आप डेफिनेटली वाई सीरीज का चेक कर सकते हो, उसमें आपको मीडियम, लाइट, डार्क सारे शेड मिल जाएंगे। आई थिंक दिस इज रियली नाइस फॉर अपकमिंग वेदर, दिस इज अ मस्ट हैव। नेक्स्ट अप वी हैव टू ब्लशेस। इस मंथ मैंने दो न्यू ब्लश ट्राई करे और मुझे दोनों ही पसंद आए, तो मैं दोनों ही फीचर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ट्राई किया था ये सिंपली नैम का वेलवेट क्रीम मैजिक ब्लश, जो आजकल काफी इंस्टाग्राम पर भी आपको दिखता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इनके पीआर एंड ऑल भी रिसीव होते हैं। मुझे काइंड लाइफ का पीआर आया था, काइंड लाइफ के पीआर में मुझे ये ब्लश रिसीव हुआ था एंड दिस इज एक्चुअली गुड। मैंने जब फर्स्ट टाइम किसी इन्फ्लुएंसर की स्टोरी में सिंपली नैम के ब्लशेस देखे थे और मैंने रेट देखा वाज लाइक बड़ा एक्सपेंसिव है यार, बट अगेन एक मेकअप आर्टिस्ट ओन ब्रांड है तो उन्होंने थोड़ा सा लग्जरी हाई एंड कैटेगरी में रखा है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा सकते हो, बिकॉज द प्राइस ऑफ दिस वन इज फ्रीकिंग 1400 रुपीज। आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा इसको कम कर सकते थे फॉर अ क्रीम ब्रश कैटेगरी, बट आई थिंक अगर डिस्काउंट पे कहीं मिलेगा ना अंडर 1000 समथिंग तो आप ये ले सकते हो। सो ये शेड है गर्ल नेक्स्ट डोर। फर्स्ट ऑफ ऑल लव द पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसे आती है फ्रॉस्टेड ग्लास जैसी है एंड ये एक बार यहाँ से ऐसे खुलता है और यहाँ पे ऐसे आप जब इसको पुश करो ये लॉक हो जाएगा। सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग, आई थिंक ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है एंड द ब्लश इज सो 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 प्रिटी। मतलब मैंने अभी तक ऐसा कोई एक शेड का ब्लश ट्राई नहीं किया, इट्स लाइक अ कोरल पिंकिश ऑरेंज एक टोन का जो ब्लश होता है ना, और ये बहुत नेचुरल लगता है। अगर आप डेली के लिए कुछ ऑफिस लुक के लिए देख रहे हो ना, दिस लुक्स वेरी वेरी नेचुरल, लाइक लुक एट दिस। ये मेरी जो एक येलो अंडरटोन है ना स्किन की, उस पर बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है। मैंने आज भी यही लगाया है और बहुत हल्का लगाया है, ज़्यादा ही लगाया है, एंड सिंस ये क्रीम ब्लश है ना तो बहुत अच्छा ग्लो दे रहा है मेरी स्किन को। ये तो हो गया ब्लश नंबर वन। सेकंड ब्लश इज अगेन बाय द ब्रांड के ब्यूटी, ये भी मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ था। सो ये के ब्यूटी का मैट ब्लश इन द शेड, व्हाट इज द शेड नेम ऑफ दिस वन, आई थिंक अंदर लिखा होगा, मैंने सब कुछ पैकेजिंग में डाला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब पैक्ड रखा है, मैं नीचे सारे पैकेजेस संभाल के रखती हूँ, जब मैं प्रॉपर रिव्यू कर देती हूँ आपको दिखा देती हूँ ना, फिर मैं बॉक्सेस थ्रो करती हूँ, बिकॉज या इट्स लाइक मुझे है आदत, मुझे रिव्यूज में सब कुछ दिखाने की आदत है, तो मैं कोशिश करती हूँ जिस जिसके भी मैं बॉक्सेस संभाल के रख पाऊँ मैं पहले अच्छे से संभाल के रखूँ फिर आपको दिखा के फिर उसको थ्रो कर दूँ। सो ये के ब्यूटी का ब्लश और ये मैंने वेडिंग के तीनों दिन जो मैंने फंक्शन अटेंड करे ना, मैंने इसको तीनों दिन यूज किया था, आई लव्ड इट। ये के ब्यूटी का मैट ब्लश इन द शेड सॉफ्ट न्यूड, सच अ प्रिटी कलर, आई लव्ड इट, अगेन वेरी ब्यूटीफुल फॉर माय स्किन टोन। मेरे पास से पहले जितने ब्लशेज है ना, या तो बहुत चटक होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लाउड लगते हैं, काफी बार लगता है लिटरली आओगे जैसे थप्पड़ मार दिया, इतना ज्यादा वो लाउड लगता है। वैसे आजकल फैशन है एकदम लाउड ब्लशेज का, लेकिन मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता। आई रिमेंबर जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम एक फंक्शन में यूज किया था, मैं एकदम ओवरबोर्ड चली गई थी, और मैं जब भी ब्लश हैवी लगाती हूँ ना, आई सी कि मेरे पिक्चर्स बड़ी ऐसे भारी भारी और मोटी मोटा फेस मेरा दिखता है। सो मैं ब्लश थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, मैं यहाँ से अप्लाई करना शुरू करती हूँ, खाली यहाँ तक, मैं यहाँ तक भी पूरा उसको फिल नहीं करती। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। आज मैंने ये नहीं यूज़ किया, आज मैंने वो सिंपली नैम वाला यूज़ किया है। इसका आप देख सकते हो इसका किकबैक कितना तगड़ा है। के ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स का ना किकबैक बहुत ज़्यादा सॉलिड आता है, तो ऐसे हार्शली कभी ब्रश मत लगाना, एकदम हल्का सा ऐसे ब्रश टच करोगे ना यू आर गुड टू गो। मेरे पास सेम पैकेजिंग का इनका कॉम्पैक्ट पाउडर भी है विच आई पर्सनली लव, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैं कोई वाई मीडियम शेड का कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ। वेरी नाइस, आई थिंक के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आर वर्थ एवरी पेनी। नेक्स्ट अप इज एन आई शेडो पैलेट, ये लैक्मे एब्सोल्यूट का इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट। मेरे पास ऑलरेडी एक और शेड है इसमें, आई थिंक कुछ पैराडाइज करके एक शेड है, वो मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ। ये मैंने न्यू रिसेंटली ओपन किया फॉर वेडिंग फंक्शन और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो द नेम ऑफ दिस वन इज मिडनाइट मैजिक। इनके पैलेट नायका की जब सेल आती है लिटरली 50% ऑफ में मिलते हैं, तो अगर आप ब्रांड में कुछ
कुछ सस्ते अच्छे अफोर्डेबल पैलेट देख रहे हो ना, आई वुड से गो फॉर दिस वन. ये मैं हमेशा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी रिकमेंड करती हूँ जब नायका की सेल आती है. सो दिस इज हाउ मिड नाइट मैजिक लुक्स लाइक. ये इसके आती है स्पैचुला आता है जो कुछ काम का नहीं है. प्लस यू गेट अ मिरर ओवर हेयर एज वेल. तो अगर आपको ट्रैवल करके खाली देखने के लिए भी चाहिए तो आई थिंक इतना मिरर इज डिसेंट फॉर आई शेडो. सो दिस इज हाउ द आई शेडो लुक्स लाइक. आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिटी पैलेट फॉर एनी नाइट लुक. आप इससे कोई भी डे नाइट लुक, वेडिंग की, कॉकटेल की लुक ईजिली क्रिएट कर सकते हो. एक तो आपको इसमें हॉट पिंक जो मिलता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज काफी बार जो इंडियन वेडिंग के आउटफिट्स होते हैं ना, मन करता है एकदम चटाक वाला पिंक लगाने का. सो आई रियली लाइक द फैक्ट कि एकदम पैलेट का जो एक डार्क टोन है ना उसमें आपको एकदम ब्राइट पिंक इन्होंने कलर दिया है. देन ट्रांजिशन के लिए बहुत अच्छे शेड मिलते हैं. पहले अगर आपको लगाना हो लाइट बिल्कुल ये ब्राउन टोन, ये ट्रांजिशन के लिए काफी अच्छे हैं. फिर हमें शिमरी शेड मिल रहे हैं, बटरी स्मूथ फील होते हैं. एंड दिस इज हाउ द पिगमेंटेशन ऑफ दिस कलर फील्स लाइक. सी कितनी प्यारी पिगमेंटेशन आई है. ये टील कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज काफी बार एकदम हटके कुछ आई करने का मन हो ना तो ऐसा टील कलर की आईज कलर बहुत अच्छी लगती है. रियली लाइक द पिगमेंटेशन. एक सिंगल स्वाइप में काफी अच्छी पिगमेंटेशन आई है. सो अगेन अगर ये डील पर आएगा ना ऑन 50% ऑफ, मैं डेफिनेटली तब नायका की रिकमेंडेशन करूंगी. सो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज मैं Q&A रिकमेंडेशन ही करती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट लिप प्रोडक्ट्स नाउ. सो अक्टूबर मंथ में मुझे ये लिप प्रोडक्ट्स काफी पसंद आए हैं. सबसे पहले है मेरे पास ये हुडा ब्यूटी का सिल्क बाम, जो लिटरली बहुत अच्छा है. इट्स लाइक अ हाई एंड कैटेगरी का लिप ग्लॉस स्लैश लिप बाम. ये काफी यूनिक एक प्रोडक्ट है जो ग्लॉस जैसा फील होता है, लेकिन ये एक्चुअल में एक बाम है जो आपके लिप्स को नरिश भी कर रहा है. और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी मेडिकेशन चल रही है, मेरे लिप्स हद से ज्यादा सूख चुके हैं. मैं जो भी लिपस्टिक लगाती हूँ फट से ऐसे क्रैक हो जाती है. अभी मैंने ये लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है. सो आई कैन जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस. सी कैन यू सी अ गुड डिफरेंस, कितने अच्छे से ग्लॉसी हो गए. और ग्लॉसी लिप्स ना पाउटी भी लगते हैं, दे लुक मोर पाउटी और थोड़े से अच्छे फुलर लिप्स की एक लुक आती है. And it's nice, it feels very nourishing on lips as well. ये लगता है ऐसा लगाते वक्त कि मैं कोई gloss लगा रही हूँ, लेकिन इसकी gloss की comparison में बहुत long lasting एक balmy effect है. So definitely ये 2-in-1 का काम कर रहा है. So अगर ये sale वेल पे आएगा तो try कर लेना, because ये काफ़ी अच्छा है. Next to are these lipsticks. अभी recently जब मैं अपनी friend की शादी में गई थी, मैंने वो pink कलर का outfit पहना था. मैंने पूरा vlog किया है. So vlog की wait करना, जो भी पूछ रहा है outfit details क्या है, क्या पहना है, उसका पूरा vlog future में आने वाला है. I'm vlogging like good days in my life, जो मैं हर मंथ करती हूँ. सो मैं अभी कलेक्ट कर रही हूँ व्लॉग की क्लिप, और डेफिनेटली फ्यूचर में अपलोड हो जाएगा. सो उस दिन क्या हुआ ना, जो मैंने वो पिंक कलर का आउटफिट पहना हुआ था, मेरा गला या सो उस दिन जो मैंने पिंक कलर का आउटफिट पहना हुआ था, सबसे पहले मैंने उसमें लगाई ये वाली लिपस्टिक जो है, ये मैक की ऑल फायर्ड अप, जो एकदम चटाक पिंक कलर की हॉट पिंक लिपस्टिक है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एकदम चटाक वाला पिंक कलर है, और मुझे ना उस आउटफिट की सबसे बड़ी लाउड लगी, बिकॉज कुर्ते का कलर बड़ा एक म्यूटेड सा पिंक कलर था. सो मुझे उसी टाइम अपनी लिपस्टिक के कलेक्शन में ये दिखी. ये है मार्स की मैटरनी लिपस्टिक इन द शेड न्यूड फ्लर्ट, और ये मैंने काफ़ी पीछे रखी हुई थी, बिकॉज ये एकदम न्यूड ब्राउन कलर है जो मैं खाली नहीं लगाती, अदरवाइज मेरे लिप्स बड़े ऐसे डार्क डार्क लगते हैं. आई लव द पैकेजिंग बाय द वे, कुछ इस तरह से आती है, इट्स लाइक अ स्क्रू पैकेजिंग. इस पिंक कलर के साथ मैंने ब्राउन टोन कलर को मिक्स किया ना, तो ये वाला कलर बना जो अभी ग्लॉस लगाने से पहले आपको दिख रहा था पूरी वीडियो में. मैंने यही कॉम्बिनेशन आज पहना हुआ है. आई लव इट, इतना प्यारा कलर निकल के आया ना. मतलब वो हॉट पिंक और ब्राउन को जो मिक्स करके कलर बनाया ना, एक तो जब आप लिपस्टिक को लेयर करते हो ना तो लिपस्टिक और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है. लाइक मैं काफी ज्यादा अपने लिप्स को लिक करती हूँ, फिर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, खाना खाते हो, वेडिंग में जाते हो, तो लिपस्टिक फेड होनी शुरू हो जाती है. तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग वेरी मैट लिपस्टिक जो एकदम आपके लिप्स को चैप कर दे, मैं क्या करती हूँ, वैसी नरिशिंग वाली जो बुलेट लिपस्टिक्स होती है ना, उनकी लेयर्स बनाती हूँ. उससे मेरे लिप्स पाउटी भी लगते हैं, एट द सेम टाइम वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है. तो ये न्यूड फ्लर्ट के साथ जब मैंने ये ऑल फायर्ड अप को मिक्स किया ना, बड़ा ही मस्त कॉम्बिनेशन बना. सो दिस इज अ स्वॉच ऑफ बोथ द शेड्स बाय द वे, अगर आपको देखने हो, बट आई लव्ड इट. आई थिंक मैं डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन को फ्यूचर में भी ट्राई करने वाली हूँ. वी आर डन विद मेकअप एंड स्किन केयर, लेट्स मूव ऑन टू सम फैशन आइटम्स नाउ. सबसे पहले जो मेरा अक्टूबर मंथ का फेवरेट ट्राय जो मैंने डिस्कवर किया है वो है प्रेस ऑन नेल्स, एंड ओ माई गॉड आई लव्ड इट. मैंने पूरी एक डेडिकेटेड रील बनाई है जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वाले प्रेस ऑन नेल्स ट्राई करे थे. मैंने उसको आई थिंक शॉर्ट्स पर भी अपलोड किया है, तो मैं आके लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हो. मैंने पूरा एक 60 सेकंड में एक्सप्लेन किया था कि इनको यूज कैसे करना है. सबसे बेस्ट बात पता है इनकी क्या है, ये जो स्टिकर्स आते हैं ये आप अलग से ले लो. आप कोई भी प्रेस ऑन नेल्स लोगे ना, आई वुड से उनकी ग्लू मत यूज करना अगर आप टेम्पररी बेसिस के लिए यूज कर रहे हो, बिकॉज ग्लू यूज करने से भी अगेन आपका नेल का बेड डैमेज हो रहा है. आप जब उसको उतारोगे ना, आपके नेल्स को हर्ट होगा, फिर आप उसको बफ करोगे, अगेन आपने नेल बेड को हार्म कर रहे हो. सो आई वुड से सबसे हार्मलेस और सबसे जो एकदम बेस्ट चीज है अपने नेल्स को भी अच्छा दिखाना और हार्म भी नहीं करना, ये स्टिकर्स हैं. सो मैंने स्टिकर्स भी सेपरेटली लिए थे. बाय द वे मैंने शॉप से लिया, ये गफार में एक शॉप थी जहाँ पे पूरे नेल आर्ट एंड ऑल का सारा स्टफ मिलता है. तो मैंने 250 के लिया है. ये वाला मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, ये मैंने कोई स्पेशल ओकेजन के लिए रखा है. बट मैंने जो वीडियो में यूज़ करे थे वो ये
न्यूडिश कलर वाले यूज कर रहे थे, ये अमेजोन पर भी मिल रहे हैं बट आई थिंक 300 समथिंग के मिल रहे हैं यार। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना तो डिफरेंस हो गई। 2-3 घंटे का इवेंट अटेंड कर रहे हो ना, आई वुड से इनकी ग्लू मत यूज करना, इनके साथ ग्लू भी आती है बट अगेन ग्लू कैन बी डैमेजिंग फॉर योर नेल्स। ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाह रहे हो तो आप ग्लू यूज कर सकते हो, बट आई थिंक टेम्पररी बेसिस के लिए मुझे ये डबल स्टिकर ज्यादा अच्छे लगे। ये भी आपको अमेजोन पे मिलते हैं ये स्टिकर्स, मैं इसका भी लिंक नीचे डाल दूंगी। आई थिंक दीज आर द बेस्ट, डेफिनेटली ट्राई इट। लेट्स टॉक अबाउट हेयर केयर नाउ। अक्टूबर मंथ में मुझे 2 हेयर केयर प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे जो मैंने न्यू ओपन करे हैं। सो ये सबसे पहले सीरीज एक्सपर्ट लॉरियल का ही वीट ऑयल एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर सीरम, ये इनके एब्सोल्यूट रिपेयर रेंज का ही है। जो गोल्डन कलर का मैंने आपको हेयर मास्क दिखाया था ना लॉरियल का अपने लास्ट टू लास्ट मंथ के फेवरेट में, गोल्ड किनुआ उसका कुछ समथिंग नेम था, ये उसी रेंज का हेयर सीरम है। अगेन वेरी वेरी नाइस, सेम उसकी वैसी खुशबू है जैसे हेयर मास्क की खुशबू है ना, सेम इसकी भी वैसी फ्रेग्रेंस है। फील्स वेरी नाइस, काफी लाइट है, ज्यादा हैवी स्टिकी फील नहीं होता। सो अगर आपको कुछ लाइट में हेयर अच्छा सीरम चाहिए होना, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम स्कॉर्शॉफ, ये है उनका बोनक हेयर का केरेटिन स्मूथ परफेक्ट रेंज। सो स्कॉर्शॉफ की बहुत सारी रेंजेस आती है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है यार इसका, मैं तो उसको स्कॉर्शॉफ ही बोलती हूँ, आप कैसे बोलते हो मुझे बताना। जो लोग केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते होंगे ना बालों पे, उनको ऑलरेडी ये ब्रांड पता होगी, उनकी बोनक की और रेंज में बहुत सारे अलग अलग रेंजेस आती है। सो उनका केरेटिन स्मूथ परफेक्ट रेंज का ये कंडीशनर है, दिस फॉर अनमैनेजेबल हेयर। सो अगर आपके बहुत ज्यादा फ्रिजी बाल है, लाइक बहुत ज्यादा ऐसे फ्रिजीनेस है, ड्राइनेस है, नीचे के जो एंड्स है बहुत ज्यादा से डेड रहते हैं, तो आई थिंक उसके लिए काफी अच्छा कंडीशनर है। आजकल मैं थोड़ा थोड़ा कंडीशनर की तरफ शिफ्ट होने लगी हूँ बिकॉज अब विंटर्स आ रही है ना, तो मैं ऐसे बाथरूम में बैठ के घंटों तक मास्क नहीं लगाने वाली हूँ। हेयर मास्क का ना लगाने का तभी फायदा है जो आपको, आप उसको 10-15 मिनट के लिए रखो, और अब अगर विंटर्स में आप उसको नहीं रख सकते तो आई वुड से मत यूज करो उसको, 15 डेज में एक बार यूज कर लो और फिर रेगुलर बेसिस पे कंडीशनर यूज करो। कंडीशनर अगर आप 1 मिनट तक भी लगा के रखोगे ना, यू आर गुड इनफ, वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट फेवरेट ऑफ द मंथ जो है ये लेंसकार्ट के ग्लासेस। नो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लेंसकार्ट, मैंने खुद अपने पैसे खरीदी है। मुझे रैंडमली कोई जो पेमेंट ऐप्स होती है ना वहाँ पे लेंसकार्ट का कूपन कोड आया था, तो मुझे लगा वो कोड यूज कर लेती हूँ, बट बाद में पता चला वो कोड की काफी सारी कंडीशन एंड ऑल थी, तो मैं वो यूज नहीं कर पाई। बट जब मैंने ऐप इंस्टॉल करी ना तो मैंने देखा बाय वन गेट वन चल रहा है, और दे वर ऑफरिंग कि आप मेंबरशिप ले लो 2 साल की 600 रुपीज समथिंग देके तो आपको बाय वन गेट वन मिल जाएंगे ग्लासेस। तो मैंने ले लिया बिकॉज मैं काफी बार लेंसेज लेती हूँ, फिर मेरे स्पेक्स मुझे बार बार लेने होते हैं बिकॉज 6-7 मंथ्स बाद ना स्पेक्स ऐसे स्क्रैची हो जाते हैं, फिर मैं चेंज कराती रहती हूँ, तो मैंने मेंबरशिप ले ही ली थी। सो उसमें मैंने बाय वन गेट वन पे ये खरीदा था और लिटरली मुझे धनतेरस वाले दिन रिसीव हुआ था। सो आई वाज लाइक चलो मेरा धनतेरस का एक प्रोडक्ट ही आ गया एक तरह से, बिकॉज मैं ऐसा गोल्ड सिल्वर एंड ऑल कुछ नहीं लेती। सो सबसे पहले जो मेरे ग्लासेस लिए थे वो है ये वाले जो मैं आजकल रेगुलर बेसिस पे पहन रही हूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आजकल दोबारा फैशन में आ गया ना गोल्ड रिम, पहले चलता था अब ये दोबारा फैशन में आ गया। ओके लेंसेज के ऊपर स्पेक्स पहनना बहुत अजीब है, बहुत अजीब सा दिखा, बट यार दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आपको मेरी स्टोरीज पे दिख जाता होगा मैं आजकल यही वाले पहन रही हूँ, रियली लाइक इट, आई थिंक द क्वालिटी इज नाइस, साइड के भी काफी अच्छे हैं और ये वैसे भी सही है। लाइक मैं काफी बार जब बेड पे बैठती हूँ ना, अगर मैं बहुत हार्ड फ्रेम वाले लेती हूँ ना तो फिर वो टूटने का चांस होता है, काफी बार मैं ऐसे लेट के फोन चलाती हूँ विच इज बैड, आई नो अच्छी हैबिट नहीं है बट ठीक है यार, हल्का फुल्का तो बंदा ऐसे लेट ही जाता है। सो दीज आर नंबर वन कार्ड का जो स्पेक्स का पावर नंबर डालना होता था वो मेरे पास पहले से ही ऐप पर लिखा ही हुआ था, बिकॉज मैंने एक बार इनकी एक सर्विस अवेल करी थी जो फ्री होती है, आप उस नंबर समथिंग पे कॉल करो वो आपके घर आएंगे, आपके घर पे 3 लोगों का वो आई टेस्ट फ्री करेंगे। एब्सोल्यूटली परफेक्ट आया है, मेरा आई का नंबर एकदम क्लियर इससे दिख रहा है। सो ये वाले मैंने सबसे पहले लिए। सेकंड बाय वन गेट वन डील थी, तो मुझे मेरा मन था कुछ डिफरेंट सा लेने का, मुझे काफी टाइम से ना चुल थी आई वुड से ये कूल हरकत करने की, तो मैंने ये वाले लिए, अभी तक मैंने यूज नहीं करा, आप देख सकते हो इसके बॉक्स में आई रियली लाइक द बॉक्स एज वेल। दिस इज द सेकंड पेयर, ये कुछ दिखता है इस तरह से, अभी तो आपको एक नॉर्मल स्पेक्स जैसे दिख रहे होंगे लेकिन ये नॉर्मल स्पेक्स नहीं है, दे हैव अ वेरी कूल फीचर। सो इसके साथ आपको मिलता है ये शेड जैसा क्लिप ऑन, आप लिटरली इसके ऊपर ऐसे क्लिप करो और ये लिटरली प्रॉपर एक शेड्स बन जाते हैं, जो धूप वाले शेड्स होते हैं वो बन जाते हैं विच इज वेरी नाइस। काफी बार जब मैं लेंस नहीं पहनती, मैं स्पेक्स पहन के बाहर निकलती हूँ, कहीं बाहर जाना है, धूप है, ऑटो में बैठे हैं, हद से ज्यादा धूप आ रही है, ऑब्वियसली मैं शेड्स तो पहन नहीं सकती बिकॉज मेरा नंबर काफी हाई है, बिना स्पेक्स से तो मुझे दिखाई नहीं देगा। सो मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ और फिर मैं जब धूप आएगी इसको लगाऊंगी एंड आई एम डन, कितना कूल लग रहा है ना। सो ये मुझे काफी अच्छा लगे, ये जब मैंने स्टोरीज पर भी शेयर किया था ना मुझे बहुत डीएम्स आए थे लिंक दो, इनके लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी। आई विश लेंसकार्ट मुझे स्पॉन्सर करता बट यार नेवर माइंड। एक तो ऐसी ब्रांड्स मैंने देखा है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ वर्क करेंगे जो रियल लाइफ में स्पेक्स पहनते भी नहीं है, मतलब आप देखो तो सही आपकी टारगेट ऑडियंस वो चीज यूज कर रही, मतलब एक्टर जो क्रिएटर है वो उसको रियल लाइफ में यूज कर रहा है नहीं कर रहा, बिकॉज जब तक वो यूज नहीं करेगा अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे ही कन्विंस कर पाएगा। सो यार चलो कोई दुख नहीं है, मुझे एनी हाउ लेने थे तो मैंने अपने पैसे ले लिए, बट दीज आर एक्चुअली वेरी नाइस, आई थिंक
huge shout out to Lenskart because the quality is very good. So ये तो मेरे October month के favorite, I think काफी लंबी video होगी होगी because इस बार मैंने बहुत सारे favorite share करे हैं. इन सबके links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे. अब आ जाते हैं जरा giveaway part पर. So giveaway में जो winner को मिलने वाला है वो मिलेगा ये सब basically. एक lucky winner होगा जिसको ये प्यारा सा goodie box मिलेगा curated by me. Plus इसमें एक additional surprise gift भी होगा. मैं हर बार giveaway में ना एक additional surprise gift भी डालती हूँ जो आपको यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा. So participate करने के rules एकदम सिंपल है. सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करो. सेकंड आपको मुझे फॉलो करना है मेरे इंस्टाग्राम पर. मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे दूंगी. वैसे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है kashika.chauhan. आप वहाँ पर जाओ, मुझे फॉलो करो. और थर्ड आपको इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना है. जस्ट शेयर वट एवर प्रोडक्ट इज योर फेवरेट राइट नाउ. मेकअप का, स्किन केयर का, कोई ऐसी ब्रांड है जो आपकी आजकल फेवरेट चल रही है, कुछ भी ऐसा कोई फेवरेट हो वो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो. एंड दैट इज इट, आपकी एंट्री हो जाएगी काउंट. मैं विनर जो है वो इसी कॉमेंट सेक्शन से चूज करने वाली हूँ. सो मेक श्योर आप अच्छा सा कॉमेंट करो. हैशटैग एंड ऑल मत यूज करना. मैं पहले हैशटैग रखती थी ना, बट मैंने देखा है काफी बार यूट्यूब उसको स्पैम कंसिडर कर देता है और आपका कॉमेंट पोस्ट नहीं हो पाता था. तो वो हैशटैग एंड ऑल कुछ मत यूज करना. जस्ट कॉमेंट बिलो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपका आजकल फेवरेट चल रहा है. ये गिवअवे चलने वाला है 2 weeks के लिए. 2 week बाद मैं कम्युनिटी टैब पर विनर अनाउंस कर दूंगी, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी कर दूंगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी विनर का नाम, सो दैट जो भी विनर हो वो देख सके. बट मेक श्योर आप थोड़ा सा ना अपडेटेड रहना. मैं यूट्यूब पर गिवअवेज इसलिए कम होस्ट करती हूँ बिकॉज जब विनर कोई जीत जाता है ना उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं उसको कैसे बताऊँ आप जीत गए हो. काफ़ी बार रिप्लाई नहीं कर पाते, काफ़ी बार मैं उसको क्रॉस चेक करके वेरीफाई नहीं कर पाती. बट यार मुझे काफ़ी टाइम से मन था यूट्यूब गिवअवे करने का, तो फाइनली अब मैं कर रही हूँ. सो डू पार्टिसिपेट एंड दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो. बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.